हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। आज की जो आपकी क्लास है वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। इकोनॉमिक्स में आज पढ़ने वाले हो आप वित्त बाजार यानी शेयर मार्केट, ठीक है, कैसे क्या वर्क होता है, कौन कौन सी आपकी इसमें ब्रांचेस या वगैरह जो कुछ भी है, तो पूरा डिटेल से पढ़ेंगे वित्त बाजार को। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को इन फ्यूचर अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, वित्त बाजार। आज का हमारा जो टॉपिक है अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक्स में वित्त बाजार, शेयर मार्केट। शेयर मार्केट, वित्त बाजार, आप बोलते हो ना इसने भाई शेयर मार्केट में इतने पैसे लगाए थे, खत्म हो गए, ये जुआ खेलना था, इसे जुआ भी बोलते हैं, बट ये जुआ नहीं होता। और गवर्नमेंटिकल तौर पर बात करें तो इसे जुआ नहीं कहते, जुआ आपका अलग होता है, ये आपका होता तो ये भी जुए की तरह है पर जुआ नहीं माना जाता इसे, ठीक है। तो आपका वित्त बाजार शेयर मार्केट आज हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। उसके अलावा इसमें आरबीआई बैंक भी हम डिटेल में करेंगे, सेबी बैंक, आपके जो बैंक्स हैं इंडिया के जितने भी बैंक हैं, आपका एसबीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, तो सारे बैंक्स आज कंप्लीट करेंगे इसी क्लास में, क्योंकि वित्त बाजार तो छोटा सा टॉपिक है। तो वित्त बाजार क्या होता है? वित्त बाजार जब किसी संसाधन के क्रेता या विक्रेता, जब कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, ठीक है, ऑफिशियली वो वस्तु नहीं होती, ठीक है, वो आपके कोई संसाधन है, उस पर क्रेता यानी खरीदने वाला और विक्रेता और बेचने वाला, क्रेता विक्रेता यानी क्रेता जो खरीद रहा है, विक्रेता जो बेच रहा है, तो किसी संसाधन के क्रेता और विक्रेता आपस में मिलकर जब आपके एक्सचेंज करते हैं, दोनों विनिमय करते हैं, एक्सचेंज को हिंदी में बोलते हैं विनिमय, विनिमय करते हैं, तो वो आपका व्यापार कहलाता है। भाई एक ने बेच दी, एक ने खरीद ली, दोनों ने आपस में चीज़ों का कर लिया सेटलमेंट, विनिमय कर लिया, एक्सचेंज कर ली, तो वो कहलाएगी आपकी क्या, व्यापार कहलाता है या बाजार कहलाता है। नॉर्मल तौर पर तो पहले इसी डेफिनेशन को लिख लेते हैं, जब कोई क्रेता, क्रेता होता है भाई खरीदने वाला, क्रेता कौन होता है, खरीदने वाला, या फिर कोई विक्रेता, विक्रेता होता है बेचने वाला, जब कोई क्रेता और विक्रेता किसी वस्तु को या किसी संसाधन को आपस में एक्सचेंज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, जैसे आपने पैसे देकर कोई चीज़ खरीद ली, आपने तो खरीदी है बट इकोनॉमिक्स में उसे क्या कहते हैं, एक्सचेंज किया आपने, वो आपने पैसे दिए, आपने एक वस्तु दी है, उसे बदले में उससे दूसरी वस्तु लिया, यानी एक्सचेंज हुआ है। और इस एक्सचेंज को हिंदी में क्या कहते हैं, विनिमय। हमारे यहाँ विनिमय का माध्यम है रुपया, पैसा, ठीक है। तो जब कोई क्रेता या विक्रेता आपस में किसी संसाधन का एक्सचेंज करते हैं तो वो आपका क्या कहलाती है, मार्केट, बाजार कहलाता है, मार्केट कहलाता है, ठीक है। जो बाजार है इसको आगे जाके टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे वस्तु बाजार या सेवा बाजार। भाई आपने वस्तु का विनिमय किया है या आपने सेवा का विनिमय किया है, कैसे, वस्तु बाजार या सेवा बाजार। वस्तु बाजार में क्या होगा, आपकी वस्तु की खरीद और बिक्री, कोई वस्तु खरीदी, खरीदने वाले ने खरीद ली या बिक्री या वो बेच दी, तो वस्तु की खरीद होगी या बिक्री, यानी वस्तु को खरीदा होगा या वस्तु को बेचा होगा। और आपकी सेवाओं में क्या होगा, इसमें आपकी सेवा को खरीदा होगा या सेवा को खरीदा होगा या उसको बेचा होगा। तो मार्केट में दोनों ही चीज़ें होती हैं, वस्तु बाजार, सेवा बाजार, दोनों ही आपके मार्केट के टू टाइप कह लो, वस्तु बाजार जिसमें वस्तुओं की खरीद और बिक्री होती है, सेवा बाजार जिसमें सेवा की खरीद और बिक्री होती है। अब वित्त बाजार क्या करता है, वित्त बाजार ये तो था आपका नॉर्मली मार्केट क्या होती है, उसे मैंने इकोनॉमिक्स में डिफाइन किया है थोड़ा सा। वित्त बाजार क्या होता है, वित्त बाजार में हमारे राष्ट्र के निर्माण में सहायक है ये, काफ़ी हमारे राष्ट्र के विकास में, डेवलपमेंट में, इंडिया के डेवलपमेंट में, राष्ट्र के डेवलपमेंट में सहायक हैं। नंबर वन, वित्त बाजार की भूमिका समझा रही हूँ मैं आपको, राष्ट्र के विकास में यानी डेवलपमेंट में सहायक है वित्त बाजार, राष्ट्र के विकास में सहायक है वित्त बाजार। दूसरी बात करें, इसमें आपकी बचत भी होती है, बचत होगी तभी आप निवेश करते हो वित्त बाजार में, शेयर मार्केट में, आपके पास पैसा है, आपके पास बचत है, आपकी पैसा है, तभी आप सोचते हो कि हाँ भाई मुझे शेयर बाजार में पैसा लगाना है, यानी निवेश
करना है। अगर आपके पास पैसे नहीं हो गए, आपके पास बचत नहीं होगी, तो आप निवेश को नहीं करते। तो आपका पैसा है तभी आप निवेश को बढ़ावा मिलता है। दूसरी भूमिका ये होती है वित्त बाजार की। तीसरा, गरीबी को निपटने में सहायता करता है वित्त बाजार। गरीबी से निपटने में सहायता करता है, गरीबी से निपटने में सहायता, समझ रहे हो ना। राष्ट्र के डेवलपमेंट में ये काफ़ी भूमिका निभाता है। इसमें बचत होती है लोगों के पास, तभी निवेश को बढ़ावा दिया जाता है। गरीबी से निपटने में ये काफ़ी हद तक सहायता करता है। नेक्स्ट आता है हमारा आर्थिक निर्माण करता है, राष्ट्रीय आय और रोजगारों को भी बढ़ावा देता है। आर्थिक निर्माण होता है, आर्थिक निर्माण होता है, रोजगारों को बढ़ावा देता है। क्योंकि आपने देखा होगा बीएससी एनएससी में काफ़ी लोग काम करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज जो होती हैं उनमें काफ़ी लोग काम करते हैं और घर बैठे भी लोग पैसे कमाते हैं। अपने शेयर्स बेचते हैं, खरीदते हैं, या कोई संसाधन बेच लिया, खरीद लिया, तो उसमें भी पैसा कमाते हैं। तो आर्थिक निर्माण और सारा का सारा ये आपका उसमें होता है, गवर्नमेंट लेवल पर होता है, कालाबाजारी इसमें नहीं चलती। तो आर्थिक निर्माण होता है, रोजगारों को बढ़ावा मिलता है, आर्थिक विकास होता है, हमारी राष्ट्रीय आय भी बढ़ती है इससे, नेशनल जो इनकम है वो भी इससे बढ़ती है वित्त बाजार से। तो शेयर मार्केट इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर बचत और निवेश, बचत यहाँ पर कुछ और है, ठीक है भाई। जब बचत होगी तभी आप पैसा लगाओगे। अगर पहले में क्या था, पहले में था हम पैसे कमाते हैं फिर हम बचत करते हैं, इसमें क्या होगा, अगर आपके पास पैसा है तभी आप शेयर मार्केट में लगा पाओगे, वरना नहीं। तो समझ रहे हो ना, इसमें पहले बचत होनी चाहिए, पहले पैसा होना चाहिए, फिर आप इसमें काम कर सकते हो। तो भारतीय वित्त बाजार की संरचना नेक्स्ट हम करेंगे। भारतीय वित्त बाजार की संरचना, क्या ढांचा है हमारे यहाँ वित्त बाजार का, उसको डिटेल में समझेंगे। तो संरचना, भारतीय वित्त बाजार की संरचना, भारतीय इंडिया का पढ़ रहे हैं हम, इसमें दो चीज़ें आती हैं। एक आता है आपका मुद्रा बाजार, दूसरा आता है पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार, भारतीय वित्त बाजार की संरचना में एक तो आता है मुद्रा बाजार और दूसरा आता है पूंजी बाजार, ठीक है। जो मुद्रा बाजार है इसमें क्या होता है, कंट्रोल इसे कौन रखता है, हमारे बाजार में कितना पैसा आएगा, कितना पैसा लगाना है, बैंकों से कितना पैसा निकलना है, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कौन करता है, यानी मुद्रा को, हमारे यहाँ पैसे को कंट्रोल कौन करता है भाई, हमारे यहाँ पैसे को कंट्रोल कौन करता है, आरबीआई। कौन करता है पैसे को कंट्रोल, पैसे को कंट्रोल कौन करता है, आरबीआई, याद रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मुद्रा को कंट्रोल कौन करता है, यानी कंट्रोल को यहाँ बोलते हैं विनियमन, विनियमन, ठीक है। तो मुद्रा को कंट्रोल कौन करता है हमारे यहाँ, आरबीआई। भारत में कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई मुद्रा को। अब बात करें पूंजी को, तो पूंजी को कंट्रोल कौन करता है, शेयर मार्केट में पूंजी को कंट्रोल कौन करता है, सेबी। पूंजी को कंट्रोल कौन करता है, सेबी, ये अभी एक संस्था है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, सेबी। पूंजी बाजार में पूंजी को कंट्रोल कौन करेगा, पूंजी को कंट्रोल करेगा सेबी। और यहाँ पर मुद्रा को कंट्रोल कौन करता है, आरबीआई। कितना पैसा लगाना, कैसे क्या करना, सब कुछ। तो ये याद रखना, मुद्रा बाजार में मुद्रा को कंट्रोल आरबीआई करता है, पूंजी बाजार में पूंजी को कंट्रोल सेबी करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो शेयर बाजार है, शेयर बाजार किसकी सिफारिश पर बना था, एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था, शेयर बाजार किसकी सिफारिश पर बना था, तो एक आपकी फेरवानी समिति थी, फेरवानी। शेयर बाजार जो वित्त बाजार है, फेरवानी समिति की सिफारिश पर बना था, फेरवानी समिति की सिफारिश पर बना था शेयर बाजार, याद रखना, फेरवानी समिति की सिफारिश पर बना था आपका शेयर बाजार। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में, पहले सेबी के बारे में, फिर पढ़ेंगे आरबीआई के बारे में। उससे पहले वित्त बाजार में भी थोड़ी चीज़ें और आएंगी, वो भी कंप्लीट करेंगे। पहले थोड़ा सेबी के बारे में समझ लो, तभी आप वित्त बाजार से रिलेटेड और चीज़ समझोगे। सेबी, सेबी बोलते हैं भाई इसको, सेबी, SEBI। फुल फॉर्म की बात करें, एस से सिक्योरिटी, ई से एक्सचेंज, बी से बोर्ड ऑफ, आई से इंडिया। सिक्योरिटी, एक्सचेंज, बोर्ड
ऑफ इंडिया। एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म बहुत आती है सेबी की, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, ठीक है। हिंदी में भी कई बार ऐसे ही लिख के दे देता है। तो जो सेबी की स्थापना की बात करें तो 12 अप्रैल 1988 को, इसकी स्थापना की बात करें 12 अप्रैल 1988 को बनाया गया था सेबी, ठीक है। ये आपकी एक संवैधानिक संस्था है, यानी गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग है, संवैधानिक संस्था है, प्राइवेटलाइजेशन नहीं है इसमें, संवैधानिक संस्था है। हेडक्वार्टर की बात करें सेबी का, जो मुख्यालय है वो कहाँ है, मुंबई में। भारत में सेबी के हेडक्वार्टर की बात करें तो कहाँ है सेबी का मुख्यालय, मुंबई में है। इसका काम क्या है भाई सेबी का, भारत के जो स्टॉक है, भारत के जो स्टॉक एक्सचेंज है उनको लाइसेंस देता है। भारत के जो स्टॉक एक्सचेंज है, यानी NSO, वो आपका NSE और BSE, ये अभी आगे पढ़ाऊंगी। भारत के स्टॉक एक्सचेंज को लाइसेंस देता है, तो इसका इम्पोर्टेंट काम है। और कोई भी व्यक्ति है, ये शेयर बाज़ार में काम करना चाहता है तो उसके लिए उसे अपना अकाउंट खुलवाना पड़ता है, काफ़ी चीज़ें करनी पड़ती है, अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, उसके बाद वो काम करता है। फिर वो पैसे लगाते तो अकाउंट से ही, बैंक के अकाउंट से उसके पैसे जाते हैं, और फिर अगर वो पैसे जीतता है तो वो आपके अकाउंट में ही आ जाते हैं। तो ये सारा सिस्टम कुछ इस तरह का चलता है, इनको सबको कंट्रोल सेबी करता है, ठीक है। तो आपका सेबी को समझ गए ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, 12 अप्रैल 1988 को उसकी स्थापना हुई, एक संवैधानिक संस्था है, प्राइवेटलाइजेशन नहीं है, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, भारत के जो स्टॉक एक्सचेंज है उनको ये लाइसेंस देता है सेबी, ठीक है। अगर बात करें हमारे देश में, हमारे भारत देश में कुल कितने स्टॉक एक्सचेंज हैं, तो भारत में 22 शेयर बाजार हैं, भारत में 22 शेयर बाजार हैं, स्टॉक एक्सचेंज 22 हैं, याद रखना, ठीक है। अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज हैं, 22 हैं। मेनली हम दो करेंगे जो फेमस हैं इंडिया के, वो दो स्टॉक एक्सचेंज करेंगे, जो कि एक भारत का सबसे बड़ा है, एक वर्ल्ड में अपना इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। एक तो है आपका BSE, ये क्या है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये आपका कब बना था, 1875 में, 1875 में। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो वो आपका है मुंबई, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। सेबी का भी कहाँ है, मुंबई में है, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है भाई इसका, मुंबई में है। अब जो ये है आपका BSE है, या एक्सचेंज लगा लो SE, अगर ऑप्शन में आपको BSE लगे तो वो भी राइट है, और BSE हो तो वो भी राइट है, BSE बोलते हैं वैसे इसको। BSE संसार की सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी के नाम से भी जानी जाती है, संसार की सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी के नाम से भी जानी जाती है BSE, ठीक है। हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी, जो कि हमारे भारत में है। उसके बाद बात करें NSE कह लो या NSE कह लो, सी से कंपनी हो जाएगा, ई से एक्सचेंज हो जाता है बस। इसमें क्या है, NSE फुल फॉर्म नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो ये 1922 में बनी थी, हेडक्वार्टर इसका भी मुंबई में ही है, जो आपका BSE है उसका भी मुंबई और इसका भी मुंबई। अगर हम बात करें NSE, भारत में नंबर वन है, वो वर्ल्ड में नंबर वन है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी है, NSE भारत की सबसे बड़ी है, या भारत की नंबर वन है, ठीक है, भारत में ये नंबर वन रैंक पर है। तो ये थी आपकी कुछ स्टॉक मार्केट की कुछ इन्फॉर्मेशन। उसके बाद शेयर बाजार में कैसे क्या होता है वो समझाते हैं आपको। NSE BSE दोनों कंप्लीट हो गया है, सेबी कंप्लीट हो गया है। सेबी क्या करता है, स्टॉक को लाइसेंस देता है, जो हमारे एक्सचेंज होते हैं स्टॉक एक्सचेंजर उनको लाइसेंस देता है। शेयर बाजार विश्व का सबसे पुराना
विश्व का सबसे पुराना शेयर बाजार बात करें भाई, सबसे पुराना कहाँ पर है, सबसे पुराना शेयर बाजार विश्व का, वर्ल्ड का बात करें, वर्ल्ड का सबसे पुराना नीदरलैंड में है। कहाँ पर है? नीदरलैंड, नीदरलैंड में है। 1720 से चल रहा है, नीदरलैंड में विश्व का सबसे पुराना शेयर बाजार है। एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार पूछे, एशिया का, ये वर्ल्ड का था, ये वर्ल्ड का है आपका। बात करें एशिया का, एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार पूछे तो हमारे यहाँ वाला ही है BSE, जो कि आपका मुंबई में जिसका हेडक्वार्टर है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वही है आपका एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार। नेक्स्ट करें, भारत राष्ट्रीय स्तर पर शेयर बाजारों की संख्या की बात करें तो 22 है, जो मैंने आपको पहले भी लिखवा दी हैं। शेयर बाजार में क्या होता है, अब ये थोड़ा समझो, शेयर बाजार इसमें केवल आप यानी इंडियन ही नहीं काम कर सकते, बल्कि विदेशी भी यहाँ पर अपने अकाउंट खोलते हैं, शेयर बाजार में काम करते हैं। शेयर बाजार में एक होता है डीमेट, डीमेट होता है एक, एक होता है पी नोट, एक पी नोट होता है, एक होता है डीमेट। डीमेट में क्या होते हैं, इसमें अपना भारतीय जो लोग हैं, जो भारत के लोग हैं, भारतीय लोग अपना अकाउंट खोलते हैं, अपना अकाउंट खोलते हैं, फिर शेयर खरीदते हैं, फिर या जब मुनाफा होता है तो उन्हें बेचते हैं। तो भारतीय अपना अकाउंट किस में खोलते हैं? डीमेट में, डीमेट याद रखना। अगर बात करें फॉरेन की, विदेशियों की, जो जो विदेशी होते हैं वो अपना अकाउंट पी नोट पर खोलते हैं, याद रखना, जो विदेशी लोग होते हैं वो अपना अकाउंट पी नोट पर खोलते हैं, फिर आगे शेयर बेचते हैं और खरीदते हैं। इसमें आपका बुल होता है, बुल, इसमें आपका बुल होता है, और इसमें क्या होता है? बियर, बियर, ठीक है। जो बुल होता है वो तेजी को दर्शाता है, बियर होता है मंदी को दर्शाता है, ये भी याद रखना। बुल, इनमें बुल और बियर होते हैं, इनमें जो बुल होते हैं वो तेजी को दर्शाते हैं, बियर जो होते हैं वो मंदी को दर्शाते हैं। तो ये था आपका शेयर बाजार। तो आई थिंक आपको शेयर बाजार समझ में आ गया होगा ना। शेयर बाजार कुछ नहीं था इसमें आपका, सिंपल लोग अपनी बचत से पैसा जो कमाया है उसको शेयरों में लगाते हैं और खरीदते हैं और उन्हें बेचते हैं। वित्त बाजार की बात करें तो हमारे राष्ट्र के निर्माण में सहायक है, हमारे डेवलपमेंट में सहायक है, रोजगार देता है और गरीबी को हटाने में भी सहायता करता है। भारतीय जो वित्त बाजार है इसकी संरचना की बात करें तो इसमें आपका मुद्रा बाजार आता है, आपका पूंजी बाजार आता है। मुद्रा बाजार में क्या होता है? कंट्रोल रखता है RBI, और आपकी पूंजी बाजार में क्या होता है? जो SEBI है वो कंट्रोल करता है। अभी SEBI क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है SEBI, जिसकी जब स्थापना हुई थी आपकी 1988 में हुई थी, मुख्यालय इसका मुंबई में ही है SEBI का। और अगर बात करें जो इसके कार्य की, तो SEBI क्या करता है, जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं उनको लाइसेंस देता है SEBI। अब हमारे भारत में शेयर बाजारों की संख्या कह लो या स्टॉक एक्सचेंजेस की संख्या कह लो तो 22 है, ठीक है। BSE बॉम्बे स्टॉक, जो आपका बॉम्बे एस स्टॉक एक्सचेंज है, इसका मुख्यालय आपका मुंबई में है, और इसकी स्थापना की बात करें तो 1875 में वर्ल्ड की सबसे नंबर वन लिस्टेड कंपनी है। उसके बाद बात करें आपकी NSE, इसकी जो स्थापना हुई थी 1922 में हुई थी, मुख्यालय मुंबई में ही है इसका, और ये इंडिया की नंबर वन कंपनी है या स्टॉक मार्केट है। शेयर बाजार भारत, वर्ल्ड का सबसे पुराना शेयर बाजार आपका नीदरलैंड में है, भारत का सबसे पुराना, एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार आपका BSE है, जो कि मुंबई में है। उसके बाद मैंने आपको बताया था शेयर बाजार में अकाउंट कैसे खोलते हैं, एक तो होता है आपका डीमेट, एक होता है पी नोट। डीमेट पर आपके जो भारतीय लोग हैं वो अपना अकाउंट खोलते हैं, शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं। पी नोट पर विदेशी अपने शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं। तो ये दोनों हो गए। इसमें बुल और बियर दो चीज़ें भी होती हैं। बुल, बुल यानी आपका जो तेजी को दर्शाता है, बियर यानी आपकी मंदी को दर्शाता है, शेयर बाजार में मंदी को दर्शाता है। तो आप ये याद रखना, ये सारी चीज़ें शेयर बाजार था। तो कैसी लगी भाई आप सबको वीडियो? आशा करती हूँ अच्छी लगी होगी, ठीक है। शेयर बाजार समझ में आ गया होगा आप सभी को, इकोनॉमिक्स में कैसे होता है, क्या होता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करने का कष्ट कर दीजिए, शेयर करने का कष्ट कर दो, और सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल अगर फ्यूचर में आपको ऐसी ही वीडियो और चाहिए तो। और इसके साथ साथ बेल आइकन भी कर लेना, ताकि जो भी वीडियो मैं न्यू डालूँ अपने चैनल पर तो उसका लिंक आपके पास, बेल आइकन आपके पास आ जाए और आप विजिट कर सकें मेरे चैनल पर। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।